नमस्कार मित्रों, आज की जो वीडियो है बहुत ही नेक है, बहुत ही सुंदर वीडियो है। आज की वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा ये जानकारी आपके सारे दुख तकलीफ चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। रावण संहिता की रचना प्रचंड विद्वान रावण ने की थी। इसमें ज्योतिष एवं तंत्र विद्या से संबंधित मंत्रों के रूप में ज्ञान का भंडार समाहित है। रावण यह भली भांति जानता था कि मंत्रों में बेहद शक्ति होती है। मंत्र जाप से रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था और कहते हैं कि रावण भगवान शिव का परम भक्त होने के साथ साथ महान तांत्रिक और ज्योतिष का भी ज्ञान रखते थे। रावण संहिता में रावण की तंत्र विद्या और ज्योतिष का सार मिलता है। इसमें रावण ने जहाँ कई ज्योतिष रहस्य खोले, वहीं कुछ ऐसे टोने टोटके के उपाय बताए हैं जिन उपाय को अपना करके आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। रावण ने नवग्रह को अपने तंत्र विद्या के अनुसार, तंत्र शक्ति के अनुसार ही बंदी बना करके रख लिए थे। रावण बहुत ही ज्यादा प्रखंड विद्वान था और रावण ने अपने रावण संहिता में जो जानकारी बताई, ये गुरु परंपरा की मैं जानकारी आप सभी दर्शकों को बता रहा हूँ, ये पुस्तक की ज्ञान से नहीं मिलेंगे। तो रावण ने जो धन प्राप्ति करने का सबसे सरल आसान तरीका जो अपने रावण संहिता में बताएं, वही जानकारी अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा, अपने फायदे के लिए 3 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना। यह 3 मिनट का बहुमूल्य समय आपकी किस्मत को बदल सकते हैं, आपकी गरीबी मिटा सकते हैं, आपके 7 जन्म की निर्धनता समाप्त कर सकते हैं, आपको धनवान बना सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल में प्राचीन ज्ञान की अच्छे अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को पढ़ने को, सीखने को, सुनने को मिलते हैं। कोई भी समस्या तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मेल आईडी दी हुई है, आप हमें मेल करके पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा आपकी बिल्कुल ही मदद की जाएगी। तो रावण जी के अनुसार जब कोई रास्ता ना सूझे, धन आने का सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, क्या करूं कोई समझ में नहीं आ रहा, आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाए, तो लंकापति रावण ने गुरु परंपरा की एक जानकारी बता रहा हूं, पुस्तक की ज्ञान से आपको नहीं मिलेंगे। तो रावण ने बताया कि अपने बराबर तराजू में एक हिस्से में आप बैठ जाना और एक हिस्से में अपने बराबर आपको चावल तौलना है, और अपने बराबर जैसे चावल हो जाए तो इस चावल को गरीबों में या फिर ब्राह्मणों में बांट देना। इस प्रयोग से आपकी गरीबी मिटते, निर्धनता मिटते, कर्जे का भार उतर जाते, नवग्रह के पीड़ा दोष लगे, यानी कि जीवन के एनी बड़ी कोई भी समस्या हो वह समस्या इस एक ही उपाय से चुटकियों में समाप्त हो जाते हैं। कोई भी समस्या हो वह समस्या समाप्त हो जाते हैं। बस वह आपको संकल्प लेना कि मैं अपने बराबर चावल तौलूंगा और संकल्प लेकर के तौल करके गरीबों में बांट देना। दूसरा उपाय, लंकापति रावण के अनुसार और प्राचीन बुक जो तंत्र साधना है इनके अनुसार माँ लक्ष्मी या कुबेर जी को प्रतिदिन एक मुट्ठी धनिया भेंट करने से व्यक्ति एक राज्य के बराबर राजा, जो एक राज्य के राजा होते हैं इसके बराबर धनवान बन जाते हैं प्रतिदिन। लेकिन एक मुट्ठी धनिया भेंट करना होता है, धनिया का संबंध सीधे धन से होता है, इसलिए मित्रों ये भी बोला जाता है कि धनिया को धनतेरस के दिन खरीद करके जरूर लाना चाहिए। तीसरा, रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था, उन्हें तंत्र का संपूर्ण ज्ञान था और भगवान शिव ने ही उन्हें तंत्र का संपूर्ण ज्ञान प्रदान किए थे। तो सोनपत्ती नाम के एक पौधा होता है, तो सोनपत्ती नाम के जो पौधा है इसके पत्ता प्रत्येक शुक्रवार को या सोमवार को माँ लक्ष्मी या भगवान शंकर जी को इत्र लगा करके भेंट करते हैं, तो इससे हमारे सभी प्रकार की इच्छा की पूर्ति होती है। भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, शंकर जी प्रसन्न हो जाए, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, तो हमारे जीवन में फिर कभी धन के अभाव नहीं होता। उसी के अनुसार, रावण के अनुसार एक और तरीका बताना चाहूंगा, सोन पत्ता से प्रत्येक शुक्रवार को सोन पत्ती ला करके घर में धन पेटी में रखने से या व्यापारी स्थान पे रखने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है, धन आने का प्रत्येक मार्ग खुल जाते हैं। लेकिन प्रत्येक शुक्रवार को सोन पत्ती अवश्य बदलते रहना चाहिए, सूखने नहीं देना, ये हरी अवस्था में होना चाहिए, तो इससे आपके दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होता है, आप भी जल्द धनवान बन जाएंगे, कभी भी फिर उस घर में धन के अभाव नहीं होता, ऐसा हमारे तंत्र शास्त्रों में पढ़ने को, सुनने को, देखने को भी मिलते हैं। आशा करता हूं कि छोटे से जानकारी आप सभी दर्शकों को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।